सवाल शक आपकी एक वीडियो क्लिप देखी थी शेयर मार्केट के ताल्लुक से। जैसे मिसाल के तौर पर हम इंडिया के शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं हलाल प्रोडक्ट में, लेकिन बहुत मुश्किल से रेयर केस है कोई ऐसा मतलब शेयर मिलता है जिसके अंदर जिसने बैंक से लोन ना ले रखा हो, तो शक इसमें शरी मतलब इसमें शरी हैसियत क्या होगी, क्या हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? आपने जहां पर सुना होगा वहां पर ये भी सुना होगा कि गरचे वो प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट का कारोबार करती है वो कंपनी, लेकिन अगर वो बैंक से सूदी लोन उठाती है तो उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर चाहे थोड़ा सा भी वो बैंक से सूदी लोन लेती है तो आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जायज़ नहीं है। अच्छा, तो शेख इसके मतलब इसमें क्या ये उस चीज़ पे शिरकत फिल हराम उसमें शुमार किया जाएगा, या कमाई भी हराम होगी अगर हम अपना हलाल पैसा लगाते हैं तो? हराम कमाई होगी वो, आप अच्छा, उसमें गोया कि डायरेक्ट आप अपना पैसा हराम में लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए वो जो कंपनी है उस कंपनी में जो लोग भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में जो कुछ भी होता है आप उसमें शरीक माने जाते हैं। उस कंपनी में ऐसा नहीं है कि आपके पैसे का बिजनेस अलग से किया जाता है और वो जो हराम वाला है अलग से किया जाता है। उस कंपनी का एक एक पाई का जो बिजनेस है आप उसमें शरीक हैं, क्योंकि शराकत दारी का मतलब ही यही होता है कि मान लीजिए 10 लोगों ने 10-10 रुपया इकट्ठा करके एक कारोबार शुरू किया, तो अब उसमें हर आदमी का अलग 10 रुपया नहीं है, वो सब एक में मिल चुका है। वो जो पूरा 100 रुपया है उस 100 रुपये के हर जुज में आप शामिल हैं। अगर ऐसा ना हो तो इसको शराकत दारी कहेंगे ही नहीं, क्योंकि शराकत दारी का मतलब ही है कि पूरा आपस में मिल गया, वो हर आदमी का हिस्सा अलग नहीं होता है उसमें। शराकत दारी में सारे लोगों का माल एक साथ मिल जाता है और उस कंपनी में जो भी माल है उसके हर जुज में आप शरीक होते हैं। तो अब वो जो कारोबार हो रहा है उसके हर जुज के अंदर आप शरीक हैं, तो गोया कि आप भी वही कारोबार कर रहे हैं। तो शेख सवाल ये था, मतलब आपकी तहकीक भी रही होगी, तो ऐसी सूरत में मतलब फिर तो शेख इस चीज से दूरी ही बेहतर है, क्योंकि रियर कोई बेहतर भी। बेहतर नहीं है भाई, देखिए बेहतर नहीं, दूरी वाजिब है। अच्छा ऐसे ऐसी चीजों से ऐसी कंपनियों से दूर रहना जरूरी है, उसमें शामिल होना ये हराम है। और दुनिया में कमाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो कंपनी में, लाखों करोड़ों तरीके हैं, आप उनमें कमाओ। अगर ऐसी कंपनी मिलती है जो हर तरीके से जायज है तो आप उसमें इन्वेस्ट करो, अगर नहीं मिलती है तो छोड़िए। ये तो एक तरीका है, लाखों तरीकों में से कमाने का एक तरीका है, उस एक तरीके को छोड़ दो। अल्लाह ताला ने अगर कुछ तरीकों को हराम करार दिया है तो हलाल तरीके लामहदूद हैं, अनलिमिटेड हैं, उन तरीकों से कमाइए।